के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए। इस वीडियो में आप मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 परिवेश परिचय इन्वायरमेंट साइंस पार्ट 3 को देख रहे हैं, क्योंकि पार्ट 3 का इंग्लिश और हिंदी वर्सन वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं था, तो बांग्ला से ही हिंदी अनुवाद करके आपके लिए वीडियो लाया जा रहा है। आप पार्ट 3 का क्वेश्चंस पेपर को ध्यान से देखिए, समझिए और इसके आंसर्स को नोट करके रखे रहिए। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तब आप नोट करके जमा कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को आप देखते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चंस आपके पास में दिया गया है। इन 5 क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आंसर्स भी लिख लीजिएगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया विद्युत के प्रभाव से रासायनिक परिवर्तन होता है या हुआ, समीकरण के साथ उदाहरण 2। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों में विद्युत भी एक कारक है, ठीक है। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव से रासायनिक परिवर्तन होता है। उदाहरण देखिए, एसिड युक्त कोई भी एसिड, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड या हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड युक्त जल में बैटरी की सहायता से विद्युत प्रवाह करने से जल को विश्लेषित किया जाता है। जल विश्लेषित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। तो देखिए रिएक्शन, जल का जब विद्युत विश्लेषण किया गया तो एसिड की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में अलग हो गया, या दोनों गैस दो अलग अलग इलेक्ट्रोड से बाहर निकलने लगते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि अनुघटक, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट कहने से क्या समझते हो, उपयुक्त रासायनिक क्रिया का समीकरण के साथ व्याख्या करो। तो देखिए, आपके पास आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अनुघटक या उत्प्रेरक किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के अतिरिक्त उपस्थित पदार्थ जो प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा दे या घटा दे, उसको उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण में प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के समय पोटेशियम क्लोरेट KClO3 यह तथा MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड को 4:1 के अनुपात में मिलाकर टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, गर्म किया जाता है। इसमें MnO2 की उपस्थिति से लगभग 250 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हो जाती है। अगर MnO2 आप नहीं मिलाते हैं KClO3 के साथ में, केवल KClO3 को ही गर्म करते हैं, तो 600 से ऊपर तापक्रम पर, डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ऑक्सीजन गैस निकलना शुरू होता है, उत्पन्न होना शुरू होता है। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि MnO2 की उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन गैस 250 से 260 डिग्री सेल्सियस के भीतर में ही ऑक्सीजन गैस उत्पन्न कर देता है। और जो कैटलिस्ट रहता है, जो अनुघटक रहते हैं, उत्प्रेरक रहते हैं, वो अनचेंज्ड रहते हैं, मतलब वो प्रतिक्रिया में केवल उत्प्रेरण या उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, केवल उसमें उस रिएक्शन को बढ़ा देने में या कम करने में मदद करते हैं। किंतु ये रिएक्शन में देखिए किसी भी प्रतिकारक या फिर रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए MnO2 ज्यों का त्यों आ जाता है, KClO3 हीट होने के कारण से ये KCl
टू के सी एल उत्पन्न करता है और ऑक्सीजन गैस को उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर जो एमिनो टू है धन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, अर्थात यह रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ये चीज़ आपको समझ लेना है इसमें एमिनो टू। किंतु वही और एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, आपको ये उदाहरण लिखिएगा एग्जाम में या फिर इस मॉडल एक्टिविटी टास्क में, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक भी लिखने से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा उदाहरण भी मैंने लिखा है, इसमें दिखा दिया है कि देखिए एक तो धन उत्प्रेरक है जो रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है, और दूसरा है यहाँ पे देखिए साधारण तापक्रम पर हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 धीरे धीरे जल और ऑक्सीजन में टूटता रहता है, और H2O2 में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड मिला देने पर H2O2 का जो डिकम्पोजिशन होता है, वियोजन जो होता है, कि दर घट जाती है। तो देखिए 2H2O2 इस इनकी उपस्थिति में, इन एसिड्स की उपस्थिति में 2H2O प्लस O2 में विभक्त हो रहा है। तो यहाँ पे H2SO4 और H3PO4 ऋण उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस की दर को कम कर देते हैं, घटा देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दो तरह का कैटलिस्ट के बारे में इस एग्जाम्पल में हम लोग दिखा दिए हैं उदाहरण के तौर पर, एक एमिनो टू जो धन उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है, और दूसरा H2SO4 या फिर H3PO4 या नेगेटिव कैटलिस्ट के रूप में दिख रहा है। आप याद कर लीजिएगा दोनों को। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एक तो बनता है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक कारखानों में कठोर अनुघटक को सूक्ष्म चूर्ण या पतली तार की जाली में रखा जाता है, क्यों? देखिए इसका आंसर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अनुघटक का जितना सूक्ष्म चूर्ण अवस्था या पतली तार की जाली में रखा जाता है उतना ही अधिक पृष्ठ तल का क्षेत्रफल बढ़ता है, फलतः अनुघटक का कार्य घटता है और जल्दी जल्दी कम होता है। इस कारण ही रासायनिक कारखानों में कठोर अनुघटक को सूक्ष्म चूर्ण या पतली तार की जाली में रखा जाता है। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरे को भी इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में बताइए, उनको भी हेल्प कीजिए कि मॉडल एक्टिविटी टास्क के क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मानव शरीर में उत्सेचक एंजाइम का महत्व उल्लेख करो। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है जिसमें एंजाइम का महत्व को लिखने के लिए बोला गया है, तो एंजाइम की परिभाषा पहले बताते हुए हम लोग उसके महत्व को बताते हैं। देखिए सजीवों की कोशिकाओं में उत्पन्न उन कार्बनिक यौगिकों को जो स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेते हैं किंतु अपनी उपस्थिति से क्रिया दर को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उत्सेचक या एंजाइम्स कहते हैं। उत्सेचक के निम्न महत्व हैं। नंबर 1, इनकी उपस्थिति में पाचन की क्रिया होती है, ये श्वसन के लिए भी आवश्यक हैं, यह बहुत सी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं की दर को नियंत्रित करते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को इस तरह से लिख लीजिएगा। आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को देख रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 परिवेश परिचय या इन्वायरमेंट साइंस का पार्ट 3 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। खाने वाले सोडा तथा टार्टरिक अम्ल के कैलाश या क्रिस्टल को मिलाने से कोई प्रतिक्रिया या प्रक्रिया नहीं होती है, पर जब जल मिला देते हैं या मिला देने से विक्रिया या रिएक्शन जल्दी शुरू हो जाता है, व्याख्या करो, यह क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। जब खाने वाला सोडा, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, और जो नाम मैंने बोला वह नाम इसके लिए लिखा जाता है, या बेकिंग सोडा भी बोला जाता है इंग्लिश में, तथा टार्टरिक अम्ल इसका फॉर्मूला देखिए C4H6O6 के कैलाश या क्रिस्टल को मिलाया जाता है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इन दोनों के मिलाने से इनके अणु या आयन परस्पर में नहीं मिलते हैं, और दोनों के अणुओं का या आयनों के बीच में जब संयोग ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगा, नहीं होता इस कारण से, ठीक है। किंतु जब खाने वाले सोडा और टार्टरिक अम्ल के कैलाश के मिश्रण में जल मिलाया जाता है, तब जल की उपस्थिति के कारण खाने वाला सोडा द्रवीभूत हो जाता है, वह घुल जाता है और प्रतिक्रिया होने लगती है।
यहाँ जल एक कारक के रूप में कार्य करता है जो रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। यहाँ पर यह भी आपको समझ लेना चाहिए कि रासायनिक क्रिया होने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, सोडियम टाइट्रेट और जल भी उत्पन्न होता है। आप रिएक्शन देख लीजिए, या बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, टार्ट्रिक अम्ल, जल डाल देने के बाद में रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा है, जल बन रहा है, और यहाँ पर सोडियम टार्ट्रेट तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, किंतु मैं तो कहूँगा आप पूरा आंसर कंप्लीट करके लिखिए ताकि आप आंसर सटीक तरीके से जानते हैं या पता चले। आपकी बुक में यह चीज़ दिया नहीं है, जो रिएक्शन होता हुआ दिया गया है किताब में, उसको डायरेक्ट आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप देख लीजिए। नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं, किंतु आपके लिए इस वीडियो में बोनस है टार्ट्रिक अम्ल का फॉर्मूला। यह देखिए टार्ट्रिक अम्ल का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला, रचनात्मक फॉर्मूला, CHOH COH, और सिंगल बॉन्ड के साथ में दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है CHOH COH। यह ऑर्गेनिक एसिड है C4H6O6। इस फॉर्मूला को आप आंसर में तो लिखे ही हैं, किंतु इस चीज़ को आपको बताना मैं उचित समझा, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे क्वेश्चंस को, आंसर्स को नोट डाउन करके रख रही है, जी ही आपको पार्ट 3 का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप उसका सॉल्यूशन फटाफट करके सबमिट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।